सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी यहाँ पर हम, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ जगन्नाथ टेंपल, यहाँ पर देख सकते हो पीछे में जगन्नाथ टेंपल। गाइज, इसी के अपोजिट एक और पार्क है, एक और एक नया चीज है आप लोग को दिखलाने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को फिर से एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, हम वहाँ पर पार्क में चलेंगे और आपको वहाँ का भी सीन दिखाएंगे, वहाँ क्या कुछ है क्या नहीं है सब कुछ वहाँ पर देखते हैं और आप लोग को भी दिखलाते हैं। तो चलिए गाइज, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ जो है कि मंदिर यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ मंदिर से हम लोग जो है कि बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है, और आपको वहाँ का भी दिखाते हैं अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग मंदिर से बाहर निकलने वाले हैं। ये रहा यहाँ पर मंदिर। आप लोग यदि मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा ये मंदिर, ठीक है, इसमें मैंने पूरा रिव्यू किया था, पूरा सब कुछ यहाँ पर मैंने दिखाया था। यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा वो मंदिर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखलाता हूँ वहाँ पार्क में जाकर। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं उस पार्क की ओर। यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं मंदिर से बाहर और जस्ट अपोजिट उस साइड रोड के उस साइड जो है कि पार्क है। तो यहाँ पर रोड क्रॉस करेंगे और आगे जो है कि वो पार्क है, काफ़ी अच्छा पार्क है, अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अंदर चलते हैं और आपको आगे दिखलाते हैं। सो गाइस, तो ये रहा वो पार्क, यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पार्क का नाम है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड पर लिखा, और यहाँ पर स्वागतम का गेट है। तो अंदर चलते हैं यहाँ पर। अभी तो हमने सामने वहाँ पर घूम ही लिए हैं, अभी यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल एंड सामने यहाँ पर जो है कि पार्क है। यहाँ पर पार्क में अंदर चलते हैं और आपको आगे दिखलाते हैं ब्लॉग में। तो गाइज, तो हम लोग यहाँ पर पार्क के अंदर आ चुके हैं। और गाइज, यहाँ पर आप लोग यदि इस पार्क में आते हो तो एक चीज़ पहले ध्यान रखना, यहाँ पर कैश आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। टिकट कटाना है, 20 रुपया लगता है टिकट कटाना है, आपको ATM से कटवाना होगा, कैश से नहीं, ठीक है, यहाँ पर कैश एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, हमने कार्ड लाया था, यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया। और गाइज, यहाँ पर देख सकते हो पार्क यहाँ पर काफ़ी खूब सुंदर है, मतलब पार्क कम पेड़ ज़्यादा दिख रहा है, बट यहाँ पर और भी देख सकते हो चारों तरफ झारखंड का तो सुंदरता ही जंगल है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा जंगल है, काफ़ी सुनहरा देखने को मिल रहा है, पूरा चारों तरफ हरा भरा एकदम, पूरा हरियाली है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो छोटा बच्चा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो सामने जवाहरलाल नेहरू जी हमारे यहाँ पर बीच में यहाँ पर बनाया गया है उनका स्टैचू। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के बारे में यहाँ पर मतलब उन्होंने क्या थाउट कहा था, उन पार्क आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेंड लोग के साथ यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जवाहरलाल कुछ थॉट कहे थे उनके बारे में यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर दिशा निर्देश में पूरा पार्क के बारे में यहाँ पर मैपिंग किया गया, क्या कुछ यहाँ पर आपको देखने को क्या कुछ यहाँ पर मिलेगा, कहाँ कैसे जाना है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बात पता चली कि यहाँ पर हमने जो देखा वहाँ पर सामने में, तो ये पार्क नहीं गाइस, यहाँ पार्क के साथ साथ जू भी है, यहाँ पर जानवर भी आपको देखने को मिलेगा। आगे जो जो जानवर से हमारी मुलाकात होगी आपको सारे जानवर मैं दिखाने वाला, और भी यहाँ पर जो भी मैं देखूंगा आपको सब चीज़ दिखाना हूँ, तो और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको हिरन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस केज में अंदर आपको कुछ हिरन देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ से देखिए आपको, मैं सामने तो अंदर नहीं जा पाऊँगा, बट यहाँ केज से आप देख सकते हो हिरन। और भी इधर देख सकते हो तीन चार पाँच हिरन है यहाँ पर देख सकते हो। हिरन ही है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्कर हिरन इसका नाम है। यहाँ पर दो चार एक पाँच और भी आगे दिखलाते हैं। और गाइस, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक बग कृष्ण मृग। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी हिरन है, वो भी हिरन था लेकिन ये दूसरा हिरन का दूसरा प्रजाति। यहाँ पर आप सामने से देख सकते हो, मैं यहाँ जूम करके आपको दिखलाता हूँ, और जूम करके देख सकते हो यहाँ पर ये सब हिरन है यहाँ पर। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो कि अभी जो है कि जस्ट यहाँ पर भालू देखने आया था बट हमें दिखा नहीं था, और यहाँ पर देख सकते हो अभी भालू अंदर से निकला है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखलाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा भालू, और यहाँ पर जूम करते देख सकते हो यहाँ पर भालू घूम रहा है, अभी जस्ट अंदर से अपने केव से अपने गुफा से अभी जस्ट आया, यहाँ पर हमें मिला। यहाँ पर देख सकते हो भालू का घर ये है, यहाँ पर देख सकते हो भालू किधर गया, अरे भाग गया, नहीं भालू यहीं पर है। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो एक चीता, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखलाता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ है ये, यहाँ देखिए देख सकते हैं यहाँ पर चीता है, मतलब जूम करके इतना ही ज़्यादा दूर पे के जूम करके दें जो कि क्लियर नहीं यहाँ पर देख पा रहे हैं, बट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चीता बैठा हुआ है, पूरा दहाड़ रहा था पूरा,
देख सकते हो कुछ इसका यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर केज बना हुआ है और इस केज के हम बाहर में हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इस ओर है यहाँ पर मंकी, यहाँ पर ये है बंदर, बंदर का बच्चा देख सकते हो, छोटा बंदर है, अंदर और भी बंदर है इसके फैमिली वाले। और इधर देख सकते हो लंगूर, यहाँ पर ये लंगूर, यहाँ बड़ा लंगूर देख सकते हो, यहाँ पर खा रहा है लंगूर, कोई बिस्किट दिया खा रहा है बिस्किट। ये है लंगूर ऊपर में इसे से चढ़ा हुआ देख सकते हो, या देखिए ढेर सारा यहाँ लंगूर है देख सकते हो, यहाँ पर लंगूर है, अंदर में भी लंगूर है। इधर आपको लंगूर देखने को मिल जाएगा, उस और बंदर है, मैंने बंदर आपको दिखाई दिया, यहाँ पर आप लंगूर देख सकते हो। देखिए लंगूर का बच्चा, छोटा बच्चा, ये सब देख सकते हो, बड़ा बड़ा लंगूर। और अगर यहाँ पर देख सकते हो आगे में मोर है, और यहाँ पर देख सकते हो कि बच्चों लोग का खेलने का यहाँ पर छोटा मोटा ऐसी पार्क जैसा है। और आगे हमने मोर तो देखा ही नहीं, हम लोग बाहर निकलने वाले थे, बट यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मोर है, तो हम यहाँ पर आपको मोर भी दिखला देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सीन काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा है, और इतना धूप होने के बाद भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे यहाँ पर जानवर देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अलग तरह का वाइब है, सुंदरता है। तो गाइस यहाँ से जाने का तो मन नहीं हो रहा, बट इतना ही ज़्यादा धूप है कि हम लोग बाहर निकलेंगे, बट यहाँ पर चलिए आप लोग को मोर दिखलाते हैं अंदर। यहाँ पर किए गाइस हम लोग तो मेन मोर को यहाँ पर देखना ही भूल गए थे, यहाँ पर देख सकते हो सुंदर मोर तो यहाँ पर है, ये देखिए कितना सुंदर, यहाँ पर इसके पंख देख सकते हो, कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर मोर है, क्योंकि मुझे लगता है कि मोर नहीं कुछ और था, हम लोग दूसरा चीज देखने चले गए थे, ये देखिए रियल मोर ये है, बट वहाँ मोर ही लिखा हुआ था। और देख सकते हो कितना वो सब लगता है बच्चा लोग था, ये सब देखिए बड़ा बड़ा मोर है, पूरा पंख देखिए कितना सुंदर। आप लोग जो मार्केट से जो पंख खरीदते हो देख सकते हो वैसा है, यहाँ पर बारिश होता तीन लोग का पंख पूरा फैला हुआ देखते हैं। ये देखिए यहाँ मोर है, यहाँ मोर है, सब मोर देख सकते हो। बोल रहा था अभी बोल ही नहीं रहा, क्या हुआ बोलो। सो गाइस तो अब हम लोग जा रहे हैं पार्क के बाहर, यहाँ पर हमने पार्क का भी मजा ले लिया, और साथ ही यहाँ पर हमें बहुत सारे जानवर देखने को मिले, जैसे मोर, चीता, और यहाँ पर लंगूर, हिरन, बंदर, मैंने आपको सारा कुछ ब्लॉग में दिखाया है, और पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइस बहुत ही अच्छा पार्क है, यदि आपको यहाँ पर घूमना होगा तो आपको यहाँ पर बोकारो स्टील सिटी आना होगा। और गाइस यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, यहाँ पर टिकट कैसे नहीं, आपको ATM कार्ड से कटाना होगा। तो गाइस बहुत ही सही यहाँ पर पार्क लगा, यदि ब्लॉग आपको पसंद आई होगी तो गाइस इस ब्लॉग को एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग हमेशा हमारे आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, आगे और भी तगड़ी तगड़ी आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम खत्म होने वाला है, तो मैं और भी फ्री हो जाऊंगा और बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग आपको बनाकर देने वाला हूं। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ साथ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।